नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस ट्री हिमाचल के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन 26 जुलाई 2023। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बातचीत करना चाहूँगा आज के दिन की। दोस्तों ये दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा, भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कारगिल विजय दिवस की, और पूरा देश जो है आज 24वीं वर्षगांठ जो है हमारी इस बेहतरीन जीत की सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज 26 जुलाई है और दोस्तों 1999 में ये जो जुलाई का महीना था दोस्तों युद्ध लेकर आया था, और बहुत सारे हमारे जाबाज सिपाही जिसमें चाहे वो सौरभ कालिया हो चाहे वो विक्रम बत्रा हो, विक्रम बत्रा ज़्यादा पॉपुलर हुए दोस्तों, इनकी बड़े सारे इंटरव्यूज़ हैं लड़ाई के दौरान, और बाद में इन्होंने वीर गति प्राप्त की और ये दिल मांगे मोर इनके मिशन का नाम था। तो आज के दिन जो है हमें इनसे बहुत ज्यादा जो है प्रेरणा लेने की जरूरत है, और हमारे हिमाचल में तो आप सभी को पता है जैसे कि दोस्तों हमारे हर घर में जो है एक आर्मी वाला है, हमारे घर में जो है हर फौज में से कोई ना कोई जरूर है। तो आज के दिन जो है हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे देश के लिए हमारी फैमिली के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा मुकाम जो है वो हासिल करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, लेकिन भाई मेरी कोशिश रहेगी कि भाई दोस्तों ये जो सेशंस हैं आपको मैं रिवीजन भी साथ साथ करवा सकूं। तो जल्दी से पहले मैं कल का जो एग्जाम था, कल का जो हमारा सेशन था, उसकी रिवीजन करा दूं, ताकि अगर आप आज से भी जुड़े हैं, और मैं हर रोज ये जो है सेशन चलाऊंगा दोस्तों, हर रोज रिवीजन चलाऊंगा, तो डेफिनेटली जो है आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों रिवीजन में जल्दी से सबसे पहले हमने स्मार्ट सिटीज की बात की थी। भारत में 100 स्मार्ट सिटीज का जो 2015 में प्लान बना था, अब उसकी डेडलाइन एक्सटेंड करके जो है वो दोस्तों 30 जून 2024 जो है रख दी गई है, जिसमें कि प्रति जो 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 स्टेट को एक एक स्मार्ट सिटी मिलेगा, और प्रति वर्ष जो है दोस्तों इन स्मार्ट सिटीज के ऊपर 100 करोड़ रुपया भी खर्च जो है वो किया जाएगा। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा था इलीगल माइग्रेशन बिल का। दोस्तों ये जो इलीगल माइग्रेशन बिल है ये रिसेंटली ही यूके गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया, ताकि दोस्तों वहां पर ये जो बोट के जरिए बड़े स्तर पर माइग्रेशन हो रही है इलीगली, उसको रोका जा सके। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एंबेसडर दोस्तों शाहरुख खान है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है हर साल 23 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। शीतल देवी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिसेंटली ही सिल्वर मेडल जीतकर, क्योंकि भाई आम नहीं है दोस्तों, हाथ नहीं है, इसको लेकर जो है वो दोस्तों जो है अपने शीतल देवी ने एक रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में पहली बार की कोई आर्मलेस जो जो प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाली कोई जो आर्चर है उसने इस तरह का कारनामा किया हो। सशक्त महिला लोन योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। भारत का पहला हिल स्टेशन लवासा दोस्तों महाराष्ट्र में है पुणे के पास, जो अब अप्रूवल हो चुका है सेल के लिए। दोस्तों राजगीर मलमास मेला जो है नालंदा बिहार में आयोजित किया गया, और हमने देखा मध्य प्रदेश का 54 जो डिस्ट्रिक्ट है वो नागड़ा है, और टोटल वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है 54 हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारे थे कल के करंट अफेयर। तो रिवीजन जो है आपकी हो गई होगी, और अब हम शुरू करेंगे आज का सेशन। तो आज का सेशन जो है सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सफदरगंज टॉम। दोस्तों अगर आप दिल्ली कभी गए हो तो आपने सफदरगंज रोड के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो ये जो सफदरगंज का जो मकबरा है भाई, एन इंप्रेसिव हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया गया था, कमीशन्ड बाय होम? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या नवाब शुजाउद्दौला। तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, और दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी देखा कि ये जो सफदरगंज टॉम्ब है, क्योंकि जो हमारा दोस्तों जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी जो प्रिजर्वेशन कर रहा है और अपने प्रिजर्वेशन के बिल्कुल आखिरी दौर में है, और इसने एक अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि बड़ी जल्दी इसकी प्रिजर्वेशन कंप्लीट जो है हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी है, नवाब शुजाउद्दौला जो है उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था अपने टाइम पीरियड में, लगभग दोस्तों 1753-54 में जो है इसको बनाया गया था। उस टाइम पीरियड में जो है दोस्तों दिल्ली का जो बादशाह था वो मोहम्मद शाह था, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, तो उसके टाइम पीरियड में इसका निर्माण किया गया। और ये दोस्तों जो हमारे मुगल्स का लगभग आखिरी समय था, 100 वर्ष जो है आखिरी बचे हुए थे, क्योंकि हम देखते हैं
कि 1857 की क्रांति की बात तो बिल्कुल मुगल सल्तनत खत्म ही होगी, लेकिन हम देखते हैं औरंगजेब के 1707 के शासन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुगल सल्तनत में गिरावट ही आती रही। जहां तक मैं दोस्तों इस मकबरे के बारे में आपको मैं और बताऊं, यहां पर पहले बता दूं कि खास तौर पे दोस्तों चाहे हम आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे हम आर्ट्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें, जो बुलंदियां शाहजहां और जहांगीर के टाइम पीरियड में मुगल सल्तनत ने जो है छुई थी, उसके बाद हमें वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, और मैं यहां पर एक बेसिक सा आपको जानकारी भी दे दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने की थी, और दोस्तों उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग जो है हुआ करता था, और दोस्तों सफदरगंज का मकबरा इसे बोलते हैं, और द टॉम्ब इज बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेन एंड हैज ए सेंट्रल डोम एंड इज मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, पत्थरों का और दोस्तों सैंडस्टोन का ये बना हुआ है। यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जो है तस्वीर है, दिल्ली में है दोस्तों ये ऑलरेडी बना हुआ है। फिर आज का दूसरा प्रश्न, दूसरा जो क्वेश्चन है वो जुड़ा है सोली गैस। ये एक दोस्तों कम्युनिटी है, और ये इंडिजिनियस कम्युनिटी, आप बताएंगे कि ये जो कम्युनिटी किस राज्य से जुड़ी हुई है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या उड़ीसा। आजकल इन कम्युनिटी से जुड़े बड़े सारे प्रश्न एग्जाम में आ जाया करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं दोस्तों, क्योंकि इस टाइम तो हमारी जो देश की राष्ट्रपति है वो भी एक ट्राइबल महिला है, तो हम देख रहे हैं कि दोस्तों चाहे वो उनकी ट्राइबल है जो संथाल है उससे जुड़े हुए पिछले कई जो है महीनों में कई सारे प्रश्नों, कई सारे एग्जाम्स में प्रश्न आया उनकी जो संथाल ट्राइब है उड़ीसा से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये जो सोलिगास जो कम्युनिटी है ये इस वजह से भी चर्चा में हमेशा रही है क्योंकि ये इवन टाइगर रिजर्व के अंदर जो है दोस्तों रह रही है, और इसको अलाउ किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और क्योंकि वहाँ पर जो है हजारों सालों से इनकी कम्युनिटी रहती आ रही है, और इवन कई सारे नशीले पदार्थ या कह लीजिए हम लोगों के लिए जो नशीले पदार्थ हैं उससे ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं जो बड़े ही यूजफुल हैं, बड़े ही जो हैं दोस्तों फ्रूटफुल हैं। तो यहाँ पर देखें किस कम्युनिटी जो है किस स्टेट से बिलोंग करती है, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों भी कर्नाटका है। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों, कर्नाटका में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो भाई द पेरीफेरल फॉरेस्ट एरियाज नियर बिल्लीगिरी, रंगना हिल्स एंड मेल महादेश्वरा इन द चम राजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका का ये चम राजनगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये जो कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर रहते हैं, और पहली ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो है रहने की अनुमति उसे दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है हमारे जो जुडिशरी ने है प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि वहीं पर हजारों सालों से ये लोग रहते आ रहे हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये एक सिल्वर कॉक्स कॉम, ये एक तरह का वीड जैसा ही दिखने में होता है दोस्तों। वीड आपने जरूर सुना होगा, एक नशीला पदार्थ है, जहां पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, उसका जो है यूज करके कई सारी मेडिसन्स जो है वो बनाती है, जिस वजह से ये चर्चा में आई है। कहा जाता है कि इसके जो न्यूट्रिशियस लीफी ग्रीन है वो दोस्तों विटामिन ई, कैल्शियम एंड आयरन के जो है बहुत बड़े सोर्सेज हैं, जिस वजह से दोस्तों चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसन्स और इंडिया की भी कई सारी ट्रेडिशनल मेडिसन्स में इनका बहुत बड़े स्तर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है केलुसिया अर्जेंटिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नाम है केलुसिया अर्जेंटिनिया है। इसके अलावा इसको मराठी भाषा में कुर्दू बोलते हैं और तमिल भाषा में इसे पनाई किराई बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, चाहे वो तमिल भाषा की बात करें चाहे वो मराठी भाषा की बात करें। और ये जो कम्युनिटी है वो हमें देखने को मिल रही है कि कहाँ पर है, वो है कर्नाटका में। और भाई कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट की आजकल जैसे हम मितई कम्युनिटी की बात करते हैं जिसकी वजह से दोस्तों बड़े स्तर पर दंगे फैले हुए हैं मणिपुर में, तो ये सारी कम्युनिटीज जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इनके नाम आपको एज इट इज याद कर लेने हैं जी। फिर चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न से पहले जो विद्यार्थी साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाई सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि सेशन को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें, ताकि हिमाचल का हर वो विद्यार्थी दोस्तों जो बनना चाहता है आगे, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जिसको करंट अफेयर चाहिए ताजा भी, तरीन भी और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वो हमसे जुड़ सके, और इससे जो है दोस्तों आपको भी एक पुण्य का जो है काम है वो हो सकेगा। तो अगला जो प्रश्न है तीसरा है वो जुड़ा है हमारा
एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये जो है दोस्तों, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है करंट फिस्कल है 2024, इसको लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो क्या की है। तो 6.3%, 7.4%, 6.4%, 7.5%। तो ये आंकड़ों का खेल है और लगातार दोस्तों क्वार्टर वाइज ये बदलता भी रहता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा क्वेश्चन, अब क्योंकि करंट में आया है तो हम कई सारी और जानकारियां भी एडीबी से ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं एडीबी की बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मनीला में है, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। और दोस्तों 1966 में इसका जो है निर्माण किया गया था, पर्पस था एशिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है फंडिंग की जा सके। हालांकि अब तो एशिया में खासतौर पे पिछले 8-9 वर्षों में दोस्तों चाइना में दो बड़े बैंक खुले हैं, जिसमें से एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, और दूसरा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, ये शंघाई में है, और अगर मैं AIIB की बात करूं ये बीजिंग में है। लेकिन हालांकि एडीबी की फिर भी कोई इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं हुई है। और दोस्तों भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो ये फोरकास्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों, दैट इज द 6.4%। तो 6.4% जो है फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए हमारा इन्होंने दोस्तों वो निर्धारित किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे लिए क्या है, IMF का हमारे लिए प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे लिए क्या है। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे जो ग्रोथ रेट हमारा क्या दोस्तों प्रोजेक्ट फोरकास्ट कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि इन्हीं के फोरकास्ट के आधार पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और दोस्तों जो देश हैं वो आपके साथ व्यापारिक संबंध जो हैं वो अपने तय करते हैं कि इनके साथ रखना है व्यापारिक संबंध या कम करना है। तो इनकी रेटिंग्स आर ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात कर सकता हूँ, मैं मूडी की बात कर सकता हूँ, तो इनकी जो रेटिंग्स हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये रेटिंग्स जो हैं उन्हीं के आधार पे फिर इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में आती भी है और कभी चली भी जाती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रशिया के एक बैंक से ही जुड़ा हुआ है और ये उनके बड़े बैंकों में से एक है। इस बैंक का नाम है दोस्तों सबेर बैंक, और ये जो सबेर बैंक है ये 2010 से भारत में काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि भाई रशिया का एक बैंक भारत में काम कर रहा है 2010 से, और ये अपनी दोस्तों पहली आईटी यूनिट इन्होंने स्थापित की है। हम बताएंगे कि इन्होंने अपनी पहली आईटी यूनिट जो है भारत के कौन से शहर में स्थापित की है, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद या बेंगलुरु, तो कहां पर ये जो है स्थापित इन्होंने की हुई है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि दोस्तों अपनी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, ऑलरेडी ये 2010 से ये भारत में दे ही रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसे हम बोल देते हैं, और बेंगलुरु में ये जो सबेर बैंक है ये अपनी सर्विसेज है, माफ कीजिए, अपनी आईटी जो 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 ब्रांच है उसको स्थापित करेगा, ताकि भारत में जो आईटी से रिलेटेड इनको समस्याएं आ रही थी उनके समाधान भी निकाले जा सकें। यहां पर मैं आपको दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, एग्जाम में आ जाया करती हैं। दोस्तों ये दो तरह के अकाउंट हैं और बहुत बार मैंने देखा एग्जाम में आए हैं, वोस्ट्रो अकाउंट किसे कहा जाता है या फिर नोस्ट्रो अकाउंट जो है किसे कहा जाता है, वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे सबेर बैंक रशिया से जुड़ा है और भारत में उसने अपनी ब्रांच खोल रखी है, ऐसे ही भारत के भी बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि IDBI, जैसे कि दोस्तों ICICI बैंक, जिन्होंने देश विदेश में बहुत सारी अपनी जो ब्रांचेज हैं ऑलरेडी स्थापित की हुई हैं। तो अगर कोई बाहर से विदेश से आकर दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के किसी बैंक में अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर रहा है और वो भारतीय करेंसी में ही उसको ओपन किया जाएगा, उस अकाउंट को हम कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। और इसका ऑपोजिट है कि मान लीजिए अगर कोई भारतीय बैंक कहीं और जाकर, रशिया में जाकर और US में जाकर उनकी करेंसी में वहां पर एक अकाउंट खोल रहा हो तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट्स के बारे में भी आपको जानकारी सही से जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, वो जुड़ा है क्विक क्वेरल एंड साइमंड्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में
क्यू एस बोल देते हैं, और ये दोस्तों एक एजेंसी है जो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को, शहरों को। तो ये जो क्विक एंड क्वेरल साइमंड्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 है, तो विद्यार्थियों के रहने के लायक बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स इसने अपने 2024 के आंकड़ों में किस शहर को स्थापित किया है, किस शहर का आंकलन किया है, लंदन, टोरंटो, टोक्यो या न्यूयॉर्क। हालांकि इन्होंने सिर्फ अपनी जो रेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वो शहरों तक लिमिटेड नहीं रखी, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी अपना आंकलन किया है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, पिछले कई वर्षों से इस बार भी प्रथम यूनिवर्सिटी का जो स्थान है वो MIT जो अमेरिका में स्थित है दोस्तों, मैनचेस्टर ऑफ ये जो MIT है इसको जो है वो प्रोवाइड किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर शहर जो है इन्होंने यूके का जो लंदन है, जो है भाई जो दोस्तों लंदन यूके की कैपिटल है, उसको जो है अनाउंस किया है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ तो भारत के शहरों का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई 118वें रैंक में है, मतलब पहले 100 में से तो 100 में से कोई भी शहर जो है इनमें से नहीं है, और मुंबई 118 है। दिल्ली 132वीं पोजीशन पर है, बेंगलुरु 147 है, चेन्नई 154 है। तो दोस्तों हम तो पहले ग्लोबल 100 में अभी कहीं भी एग्जिस्ट फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप पे, अगर हमने लंदन देखा तो नंबर 2 जो है टोक्यो है। हालांकि देखिए खास बात, लंदन पिछले साल की जो रैंकिंग में 7वें स्थान पर था, तो ये छलांग लगाकर दूसरे नंबर पे आया, और दूसरे नंबर पे पिछले साल म्यूनिख था जो 5वें नंबर पे चला गया। तीसरे नंबर पे सियोल है, मेलबोर्न है दोस्तों, फिर म्यूनिख, पेरिस, सिडनी, बर्लिन, ज्यूरिख और बोस्टन। और अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं भाई, IIT बॉम्बे जो पिछले साल 172वें रैंक पे थी, वो छलांग लगाकर 149वें नंबर पे आ गई है। तो कम से कम पहले 150 यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी भारत की ज़रूर है। और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो दोस्तों ये MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो पिछले साल की तरह है, इस बार भी नंबर 1 जो है आई है। साथ ही साथ अगर मैं भारत के और इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो IIT दिल्ली 197 है इस बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है वो 225 पे है, IIT खड़गपुर 271 है, IIT कानपुर 278। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ की भी साथ साथ आपको दे रखी है जी। फिर इसके बाद जो है चलेंगे हम अपने छठे प्रश्न पर, छठा जो क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो छठा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ें। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 रिसेंटली ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? और दोस्तों एशियन सर्फिंग, कई सारे विद्यार्थी आप में से होंगे जो सर्फिंग को जो है नहीं जान पाते होंगे, सर्फिंग होती क्या है दोस्तों। ये अभी मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जो बीचेस के ऊपर आप देखते हैं एक रेसिंग की तरह, एक नीचे फट्टी सी लगाकर बहुत जल्दी से भगाया जाता है, उसे हम सर्फिंग बोलते हैं। अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और रिसेंटली एशिया के कई कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया दोस्तों, ये हुई रिसेंटली मालदीव्स में, भारत का पड़ोसी मुल्क है। और यहाँ पर भाई तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, उससे पहले बता दूं इसमें जापान ने जो है गोल्ड मेडल जीता, मालदीव सिल्वर, और भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर जो है रहा। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो फट्टी सी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, और पानी के ऊपर एक तरह से तैराकी, पानी के ऊपर बहुत जो है स्पीड से जो भाग रहे हैं, इसे हम सर्फिंग की जो है गेम है वो आयोजित बोलते हैं। और मालदीव 2023 जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और भारत के कई सारे प्लेयर, चाहे वो केरला से हो भाई, ऐसे जो कोस्टल एरियाज पर ज्यादातर जो प्लेयर्स रहते हैं वहीं ने जो है वो पार्टिसिपेट इन्होंने किया, और ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी अपने आप में जो है काफी जो है वो हमारे लिए प्रेरणा है दोस्तों, क्योंकि नई गेम्स में मेडल आना अपने आप में बहुत बेहतर है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का, वो है फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ, तो ये रिसेंटली किस देश जो है, कौन सा जो देश है उसका आयोजन जो है वो कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की, यूके, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो दोस्तों जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीफा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो फीफा है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, और इसके द्वारा ये आयोजित है वुमेन वर्ल्ड कप, और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, 14वां एडिशन जो है उसका जो है इस बार होगा। तो यहाँ पर कई सारे और प्रश्न आपसे साझे करना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट ईयर 2022 में दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप जो मेंस था
मैं मेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ये कतर में हुआ, कतर में। और दोस्तों इसके जो विनर थे वो थे अर्जेंटीना, आपको ज़रूर याद होगा, लायनल मेसी की टीम ने फ्रांस को जो है हरा के ये जो विश्व कप जो है फीफा वर्ल्ड कप है उसे जीत लिया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जो है अंडर 17, दोस्तों अंडर 17 की बात करूं फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये दोस्तों अंडर 17 लड़कियों का जो फीफा वर्ल्ड कप है, वुमेन वर्ल्ड कप, ये हुआ था लास्ट ईयर कहां पर, इंडिया में, उड़ीसा में, दोस्तों मैक्सिमम इसके मैचेस हुए थे। और इसका अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो स्पेन ने जीत लिया था अंडर 17, और मुंबई में इसका जो है फाइनल मैच हुआ था, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन भारत की जो टीम है वो पहले राउंड में ही दोस्तों इसमें से बाहर हो गई थी। तो साथ ही साथ 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद मैं बता दूं 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है यूएस, दोस्तों वो होने वाला है यूएस मेक्सिको, वो होने वाला है यूएस मेक्सिको और कनाडा, तीनों देशों में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो ये बेसिक सी जानकारियां जो आपको दी हैं ये भी आपको ज़रूर पता हो। और इस बार तो जो है ये वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और देखना होगा कि भाई अगला जो है कौन इसका विनर रह पाता है। कल हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की थी, इस बार 2023 में भारत में फोर्थ जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो है दोस्तों वो खेला जाएगा। और 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। 2031 में भी हम क्रिकेट का जो विश्व कप है उसका आयोजन जो है करने वाले हैं। भारत ने आज तक दो ही विश्व कप जीते हैं क्रिकेट में, 1983 25 जून को है दोस्तों इंग्लैंड में हमने जीता था कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 में हमने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2 अप्रैल 2011 को मुंबई में फाइनल में श्रीलंका को हरा के ये विश्व कप जीत लिया था। बहुत सारी जानकारियां आपको मैं दे रहा हूं, उम्मीद करूंगा ये जानकारियां आप लिख रहे होंगे या फिर दोस्तों आपको ये जो PDF है ये चाहिए हो। तो मैं बता दूं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस ट्री हिमाचल, तो सक्सेस ट्री हिमाचल का जो लिंक है भाई आप सीधा भी जाके टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिखा हुआ है, तो जो है आप देखिए दोस्तों वहां पर क्लिक करें और वहां पर हर रोज जो है ये PDF आपसे शेयर की जाएगी, ताकि आप देश दुनिया की तमाम जो खबरें हैं उनको पढ़ सकें, उनकी जानकारी ले सकें। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है वो है आठवां, दोस्तों एक बड़े ही मशहूर सिंगर थे, जैज सिंगर, जैसे हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, वोकल म्यूजिक है, तो वैसे ही वेस्ट की तरफ दोस्तों अपना एक अलग तरीके का म्यूजिक है जिसे हम जैज म्यूजिक बोलते हैं। जैज म्यूजिक के बड़े सिंगर थे टोनी बेनेट, और ये इनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है 93 की एज में, और ये किस कंट्री से जो है ये बिलोंग करते थे। खास बात है कि टोनी बेनेट जो है वो 20 से भी ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स, बहुत बड़ी बात है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स के विजेता रहे हैं, और USA से ये दोस्तों बिलोंग करते थे, और न्यूयॉर्क में इनकी 96 की एज में है वो डेथ हो गई है। और ग्रैमी अवार्ड जो हैं 20 जीते हैं, जिसमें से ग्रैमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। नाम याद रखें टोनी बेनेट और USA, और कौन सी तरह का जो सिंगिंग इन्होंने की दोस्तों, जैज सिंगिंग जो है उसके ये सुपर स्पेशलिस्ट थे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है देश का पहला कैनबिस मेडिसन जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, कैनबिस जिसे हम आम भाषा में भांग बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बोलते हैं, तो ये जो कैनबिस मेडिसन जो प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली किस जो है वो राज्य ने इंट्रोड्यूस किया है, हमारे हिमाचल ने, जम्मू कश्मीर में, झारखंड ने, या उत्तर प्रदेश ने। तो भाई हम अगर बात करें, कई सारे राज्य तो भाई इससे दुखी हुए हैं क्योंकि भांग की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा है, तो इसको लेकर आना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि अगर कई सारी इसकी फंक्शनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो साथ ही साथ ये भी डर है कि युवा जो है अपने आप को जो है इसकी तरफ केंद्रित ना कर लें, जिसकी वजह से भाई देश की जवानी खराब हो रही है। तो रिसेंटली दोस्तों जम्मू कश्मीर ने जो है इसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से कैनबिस मेडिसिन जो प्रोजेक्ट है, और ये दोस्तों कैनेडा की एक फर्म है जिसका नाम है इंडस स्कैन, तो इंडस स्कैन और जो जम्मू में दोस्तों CSIR IIM है, IIM जम्मू के पास एक जगह है चत्था, और ये जो IIM चत्था में जो है हम देख रहे हैं कि
आईएम चत्था में और ये कैनेडियन फॉर्म इंडस कैन, दोनों मिलकर जो है यहाँ पर मेडिसिन प्रोजेक्ट है उसको स्थापित करेंगे और इसके जो हैं बहुत सारे जो है बेनिफिट हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ भाई, इससे ऑयल बन सकता है, जो रस्सियाँ बन सकती हैं, कोडिंग, मल्च एंड कपोस, कॉस्मेटिक, फूड, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल ब्रीडिंग, टेक्सटाइल, फ्यूल, बहुत सारे इसके दोस्तों जो फंक्शन है और इससे बड़े स्तर पर रोज़गार भी मिल सकता है। और दूसरी अगर बात करें जो है भारत जो है कई नए प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर सकते हैं जिसको हम कई सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सरकार भांग से क्या बना रही है, तो ये बना रही है कैनबिस प्रोजेक्ट के तहत और ये जो है जम्मू कश्मीर के CSIR IIM चत्था में जो है इसका आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां है, वो है नेशनल इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ और वो इनमें से किस दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल इनकम टैक्स डे 27 जुलाई, 21 जुलाई, 24 जुलाई या 22 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 24 जुलाई इज़ द करेक्ट आंसर। तो 24 जुलाई को हम इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज जुलाई के साझे करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले आज का दिन तो आपको मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, दैट इज़ द कारगिल विक्ट्री डे जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई को दोस्तों होता है SBI डे, 1 जुलाई को ही होता है दोस्तों SBI डे के बाद डॉक्टर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर अगर मैं बात करूँ 7 तारीख को जो है इंटरनेशनल डे फॉर कोऑपरेटिव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर दोस्तों 11 जुलाई को इंटरनेशनल पॉपुलेशन जो है डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका जन्मदिन होता है नेल्सन मंडेला साहब का। इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत बार एग्जाम में आई है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 26 जुलाई जो है दोस्तों वो हमारा है कारगिल विक्ट्री डे। और ये सारे डेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डेज जुलाई में और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये अति अति महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और इनकम टैक्स डे और मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है इसे सेलिब्रेट करती है हर साल। कब वो करती है इसे सेलिब्रेट? 24 जो है जुलाई को। फिर दोस्तों जो है एक जल्दी से बता दूँ, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और ITR भी जो है भरने की लास्ट तारीखें बड़ी जल्दी आ रही हैं, 31 तारीख। अगर आपने अपना ITR नहीं फिल किया इसे भी साथ साथ फिल ज़रूर जो है आप कर दें। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चीफ जस्टिस से। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट में जो फिलहाल चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है वो फिलहाल देश में अकेली महिला चीफ जस्टिस के तौर पे जो है काम करेंगी। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और कहीं भी कोई महिला चीफ जस्टिस काम नहीं कर रही, तो गुजरात हाई कोर्ट में दोस्तों उनकी नियुक्ति हुई है। आपको उनका नाम बताना है। मैं साथ ही साथ बता दूं इस हाई कोर्ट में, कौन से हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में अब तक की सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला चीफ जस्टिस के रूप में काम करने आई हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जस्टिस सुनीता अग्रवाल। तो सुनीता अग्रवाल जी की जो है अभी मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा लेकिन बता दूं इससे पहले सोनिया गोकानी जी ने यहाँ पर चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया और अब जो है देश की अकेली जो है जस्टिस चीफ जस्टिस के तौर पे काम करेंगी सुनीता अग्रवाल जी। तस्वीरें हैं और गुजरात में दूसरी बार ऐसा होगा कि कोई महिला जज हैं वो काम करेंगी चीफ जस्टिस के ओहदे पर। यहाँ पर बेसिक से मैं आपको 7-8 क्वेश्चन ज़रूर आपसे मैं साझे करना चाहूँगा। और ये 7-8 प्रश्न कौन से हैं, भारत की प्रथम जो है दोस्तों फर्स्ट वुमेन जो महिला गवर्नर थी उनका नाम सरोजनी नायडू था, भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचेता कृपलानी था, भारत की अकेली जो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं दोस्तों, भारत की पहली राष्ट्रपति जो है महिला वो प्रतिभा पाटिल हैं और अभी दूसरी और ट्राइबल से भी जुड़ी हुई, संथाल ट्राइब से जुड़ी हुई द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा दोस्तों ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें आज़ादी से पहले जो है एनी बसंत पहली बार कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी थी, वो आयरलैंड से जो है वो बिलोंग करती थी और 1925 में सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। तो ये छोटे फैक्ट हैं और फैक्ट्स भी याद रखने हमारे लिए बड़े अति अति जो है वो महत्वपूर्ण हैं। तो नाम है इनका सुनीता अग्रवाल। टोटल देश में हाई कोर्ट्स की गिनती कितनी है, वो 25 है, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा 25वां जो क्वेश्चन है वो है हु वाज रिसेंटली चूजन टू प्रिजाइड ओवर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस।
इनमें से किस देश को जो है वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस का जो 13वां एडिशन है उसको जो है प्रेजाइड करने का मौका मिलेगा। और मैं बता दूं ये जो वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है अगले वर्ष जो है 2024 में होगा, और ऑप्शन है भारत, रशिया, यूएई या फिर यूएसए। तो इसका सही जो है आप उत्तर देंगे दोस्तों, और इसका जो सही उत्तर है अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर इज यूएई। तो भाई रिसेंटली ही कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो जो है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, और वहाँ पर जो है जो यूएई के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं डॉक्टर थानी अल ज़ियूदी, मैं रिपीट कर दूं ये फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं थानी अल ज़ियूदी, इनको जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त कर लिया गया दोस्तों। और फरवरी 2024 में अब यूएई जो है यहाँ पर जो है हमारी वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस है वो उसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर मैं बेसिक सी आपको जानकारी दे दूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में जो है एग्जिस्टेंस में आई थी, इससे पहले दोस्तों इसका नाम हुआ करता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और अभी फिलहाल इसके टोटल 164 जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं, और दुनिया का 98% जो व्यापार है दोस्तों इसी की सहमति के साथ जो है वो किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों 24 से 26 फरवरी यूएई के अबू धाबी में जो है इस 13वीं मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन जो है वो किया जाएगा। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13, और जो 13 क्वेश्चन है दोस्तों ये ब्रिक्स की जो अलग अलग समिट्स जो है जिनका आयोजन किया जा रहा है, और ये आपको पता होगा इस साल का जो ब्रिक्स है साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो सिक्योरिटी के मुद्दे पर जो है ये आधारित ये समिट हुई फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स, और ये रिसेंटली जो है किस शहर में इसका आयोजन किया गया, और जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या प्रिटोरिया। बता दूं मैं कि यहाँ पर भारत के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवाल साहब ने जो है इसमें हिस्सा लिया, और रिसेंटली दोस्तों इसका जो आयोजन है वो जोहान्सबर्ग में जो है वो किया गया था। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के बेहतरीन शहरों में से एक है, अभी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर ये खास तौर पर चर्चा हुई, और दोस्तों यहाँ पर इस जो है समिट के अलावा जो है मैं बताना चाहूँगा ये पांचों कंट्रीज़ के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों ब्रिक्स की, तो अभी जो ब्रिक्स से जुड़ा हुआ जो बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों अभी मैंने आपसे चर्चा भी की थी जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और ये दोस्तों जो ब्रिक्स ने 2015 में इस बैंक का निर्माण किया था, तो जो अल्जीरिया दोस्तों कंट्री है उन्होंने भी रिक्वेस्ट डाली है कि वो भी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और भाई वो लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी इजिप्ट इसका जो है दोस्तों मेंबर बनना चाहता है, बन चुका है। अभी रिसेंटली हमने देखा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में नए मेंबर हुए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक में इजिप्ट की बात की, यहाँ पर अल्जीरिया बनना चाहता है, जैसे कि एससीओ में नया मेंबर दोस्तों ईरान बना, नाटो में जो नया जो मेंबर है वो बना फिनलैंड। तो ये जो नए मेंबर आ रहे हैं जो जा रहे हैं इन सभी के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो मीटिंग हुई, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ ब्रिक्स की मीटिंग बिल्कुल उनके नाम के हिसाब से हो रही है, ब्रिक्स, जैसे इस बार ये साउथ अफ्रीका में हो रही है, और ऑफिशियल समिट भी दोस्तों जोहान्सबर्ग में होगी, अगले साल ये जो है फिर ब्राज़ील में होगी, उसके बाद फिर रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जिस तरह से इसका नाम है उस तरह से ही इनके समिट्स का आयोजन जो है वो होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रिक्स समिट की तो बात कर ली जो जोहान्सबर्ग में होगी, तो साथ ही साथ G20 की दोस्तों समिट्स भारत में हो रही हैं। G20 की ऑफिशियल समिट जो है वो आपको पता है वो उदयपुर में होगी, और इसके अलावा इस साल G7 की जो समिट है वो जापान के जो हिरोशिमा शहर में जो है आयोजित जो है की जाएगी, हो चुकी है दोस्तों ऑलरेडी। फिर अगर हम बात करें नाटो की समिट दोस्तों ब्रूसल्स बेल्जियम में होगी, एससीओ की समिट भी डिजिटल तौर पे भारत ने ही इसे होस्ट किया है। तो ये सारी समिट्स बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जो है इनको हमें साथ साथ याद भी रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है वो हमारा समाप्त हो रहा है सक्सेस ट्री हिमाचल पर। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को ज़रूर एक बार दोस्तों जो है लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके, हम आप तक पहुँचे हैं एक बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ, बेहतरीन इंटेंट के साथ, और दोस्तों आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के पर्पज से। तो आप
आपका भी हमें लगता है कि सहयोग ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन आखिर में मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करूँगा दोस्तों, ताकि आपके सारे एग्ज़ाम जो है एक बार जल्दी से रिपीट हो जाएँ सारे क्वेश्चन। फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स जो है रिसेंटली जोहान्सबर्ग में दोस्तों इसका आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें हमारे अजीत दोवाल साहब जो उन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले साल जो समिट है वो यूएई द्वारा दोस्तों आयोजित की जाएगी। जो जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैं वो गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी हैं। फिलहाल देश में एक ही चीफ जस्टिस महिला हैं जो है सुनीता अग्रवाल। फिर दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दोस्तों भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन जो प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में CSIRM ने मिलकर दोस्तों कैनेडा की एक इंडोसल्फन कंपनी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया। टोनी बेनेट जो है बड़े ही मशहूर जैज सिंगर थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है और यूएस न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है इस बार दोस्तों, ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो मालदीव्स में हुई है, इसका जो है भारत ने दोस्तों गोल्ड मेडल जापान ने जीता है, भारत इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया एशियन सर्फिंग, और जिसका आयोजन हुआ मालदीव्स में। इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर स्टूडेंट्स के लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग में वो लंदन जो है आया, और यूनिवर्सिटी में MIT यूनिवर्सिटी नंबर 1। सबेर बैंक ने भारत में अपना पहला IT यूनिट स्थापित किया दोस्तों, कहां खोला, बेंगलुरु में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 2024 के फिस्कल ईयर को लेकर भारत का प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट है वो 6.4% है दोस्तों। सोलिगा ट्राइबल जो है वो कर्नाटका से जुड़ी हुई है। और हमने जो पढ़ा सफदरगंज जो टॉम है जो कि नवाब शुजा उद्दुल्ला ने बनाया था, दिल्ली में है और उसका जो है रिस्टोरेशन लगभग पूरा हो चुका है। तो यह है आज का सेशन, उम्मीद करूंगा सारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।